वेलकम टू माई चैनल येट अगेन। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो हमारे लार्ज ओपन पोर्स हो जाते हैं उनका साइज हम किस तरह श्रिंक कर सकते हैं, उसकी एक ट्रीटमेंट। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि पोर्स खराब होते हैं और हमें पोर्स को ही बंद कर देना चाहिए, बट नहीं फ्रेंड्स, पोर्स हमारे सिर्फ फेस पर ही नहीं पूरे स्किन पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोर्स की थ्रू हमारी स्किन ब्रीथ करती है। इन पोर्स में छोटे छोटे हेयर के फॉलिकल्स होते हैं और हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं वो ऑयल हमारी स्किन तक इन्हीं पोर्स के थ्रू पहुंचता है और ये ऑयल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जो हमारा यू नो नेचुरल ऑयल बैलेंस हमारी स्किन का मेंटेन करके रखते हैं। तो पोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जब ये पोर्स का साइज़ बड़ा हो जाए तो फिर वो एक न्यूसेंस बन जाता है और उस पोर साइज़ को श्रिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो लार्ज ओपन पोर्स किन्हीं किन्हीं के हो जाते हैं वो बहुत रीजंस उसके हैं। एक तो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फिर एजिंग की वजह से भी, देन सन डैमेज, हार्मोनल इम्बैलेंस और कई बार यू नो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, अपनी स्किन का ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। इन सब रीजंस की वजह से जो पोर साइज़ है वो बड़ा हो जाता है और फिर उसमें यू नो डस्ट, डर्ट, ग्राइम ये सब इकट्ठा होकर ब्लैक हेड्स बनते हैं, दाने निकल आते हैं और पूरी स्किन खराब हो जाती है। तो आज इन्हीं लार्ज पोर्स को हम किस तरह इनका साइज श्रिंक कर सके उसके लिए मैं एक ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ट्रीटमेंट हमें वंस अ मंथ करना ज़रूरी है, जस्ट वंस अ मंथ इज़ इनाफ। ये कोई उस तरह का डेली ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि ये पूरा एक ट्रीटमेंट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और मुझे खुद एक्चुअली थोड़ी बहुत लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम थी और मैंने ये ट्रीटमेंट बहुत रेगुलरली काफ़ी टाइम से की है, जिसकी वजह से अब मेरा जो पोर साइज़ है वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो गया है। तो मैंने कहा चलिए फिर अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी ये ट्रीटमेंट शेयर करूँ, बिकॉज लार्ज ओपन पोर्स तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है काफ़ियों की। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टेप की तैयारी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक क्लेंजिंग स्क्रब का मास्क, तो देखते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। तो ये क्लेंजिंग स्क्रब का मास्क बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है एलोवेरा जेल 1 चम्मच और ये नेचुरल एलोवेरा जेल है जिसको मैंने प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है। चावल का आटा 1 चम्मच, मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच और ये खीरा है जिसको अभी हम कद्दूकस करके इसका रस निकालेंगे। बेसिकली हमें इसका रस चाहिए खीरे का। और ये एक केला है, इसके हमें केला नहीं चाहिए, इसका जो छिलके का ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में अभी एक्सट्रैक्ट करके ये वाला हमें अपने पैक के लिए चाहिए। और इन सबको वेट करने के लिए, पेस्ट बनाने के लिए दूध। तो यहाँ मैं केले का छिलका लेके इसका ये वाला भाग एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। बस कुछ नहीं करना है, केले का छिलका लेके जस्ट चम्मच से इसको खुरचना है। ये देखिए ये सारा चम्मच पे आ जाएगा, 1 चम्मच ही हमें इसका चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 1 केले से 1 चम्मच निकल आएगा। चलिए अब खीरे का रस निकाल लेते हैं, उसके लिए ये मैंने थोड़ा सा खीरा कद्दूकस करूँगी। बहुत है, खीरे से तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जूस निकल आएगा, हमें 1 ही चम्मच चाहिए। और इसके बाद इस कटोरी में मैं ये रस निकाल लूँगी। एलोवेरा जेल यहाँ पर मैंने नेचुरल लिया है और इसका एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर है कि मैंने प्लांट से किस तरह मैं एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट करती हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी नेचुरल क्लेंजर है, दूध में भी लैक्टिक एसिड होता है और ये हमारे पोर्स में जाके हमारे पोर्स को डीप क्लीन करता है। चावल के आटे में विटामिन B1, C, E होता है जो हमारे यू नो स्किन टोन को लाइटन वाइटन ब्राइटन करता है और हमारे पोर साइज को भी श्रिंक करता है। एलोवेरा जेल जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और वो भी पोर साइज श्रिंक करता है। केले के छिलके में जो हम अभी एक्सट्रैक्ट करेंगे वो उसमें होता है ढेर सारा पोटेशियम जो अगेन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। और खीरे का रस तो हम सबको ही पता है वो हमारी स्किन के लिए कितना रिफ्रेशिंग होता है, स्किन पे एक यूथफुल ग्लो लेकर आता है और पोर साइज श्रिंक करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो चलिए अब इन सबको मिक्स करके हम फटाफट से अपना पैक बनाते हैं। तो अब पैक बनाने के लिए बस अब चीज़ें मिक्स करनी है। तो ये मैंने डाला केला, केले के छिलका जो हमने मैश किया था, ये गया हमारा खीरे का रस, ये गई मुल्तानी मिट्टी,
एक चम्मच, और ये चावल का आटा, खीरे का रस भी मैंने एक ही चम्मच लिया है, सारा कुछ एक एक चम्मच है, बस दूध उतना लेंगे जितना हमें पेस्ट बनाने के लिए इसको ज़रूरत होगा, और ये एलोवेरा जेल ये भी एक चम्मच है, नेचुरल एलोवेरा जेल ही लीजिएगा फ्रेंड्स, जो ट्यूब वाला आता है उसको अवॉइड कीजिएगा। बस अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, और फिर इसमें दूध डालते हैं, दूध उतना डालना है जिससे हमारा ये एक जैसे जो फेस मास्क की कंसिस्टेंसी होती है वो बन जाए। फेस वॉश कर लिया मैंने और फेस को गीला ही रखा है, क्योंकि इस क्लेंजिंग मास्क से पहले हमें स्क्रब करना है और फिर इसको हमें लगे रहने देना है जब तक ये ड्राई नहीं होता। तो चलिए पहले फटाफट इसे स्क्रब करें। इसको लगा लिया अच्छे से, अब हल्के हाथों से इसे स्क्रब करूंगी मैं एक दो मिनट। जैसा मैं हमेशा हमेशा बोलती हूँ, प्रेशर नहीं डालना है, आपके फेस की स्किन बहुत नाजुक होती है, सो प्लीज हैंडल विद केयर। अच्छे से स्क्रबिंग मैंने कर ली है, अब इसको हम लगे रहने देंगे फॉर अराउंड 15-20 मिनट्स, जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जाता, और फिर नॉर्मल प्लेन वाटर से अपना फेस वॉश करेंगे, एंड फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए मैंने फेस वॉश कर लिया था जब वो ड्राई हुआ मास्क। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ग्रीन टी की आइस क्यूब से अपनी आइसिंग करनी है, और ये दो आइस क्यूब्स मैं लेके आई हूँ ग्रीन टी की। इसमें ग्रीन टी की इस ट्रीटमेंट में आप रेगुलर आइस क्यूब्स नहीं यूज़ कर सकते, आपको ग्रीन टी की आइस क्यूब्स ही यूज़ करनी है। थोड़ी सी ग्रीन टी बनाइए, उसको ठंडा करके आइस ट्रे में डालकर उसके आइस क्यूब्स बना लीजिए, और फिर हम उससे आइसिंग करेंगे। मैं तो अपनी जो नाइट स्किन केयर में भी मैंने दिखाया था कि मैं जो रूटीन में आइसिंग करती हूँ वो मैं ग्रीन आइस टी की ही आइस क्यूब से करती हूँ, नॉर्मल आइस क्यूब से नहीं। कुछ इसमें वेस्टेज नहीं होती है फ्रेंड्स, हम लोग डेली ग्रीन टी तो पीते ही हैं, आई मीन मोस्ट ऑफ अस, मैं तो पीती ही हूँ डेली, तो बस जब मैं अपनी रोज़ की ग्रीन टी बनाती हूँ तो उसमें से मैं थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, एक दो चम्मच उसके आइस ट्रे में डाल लेती हूँ कि जिससे मेरे दो तीन आइस क्यूब्स जम जाएं, तो मैं रोज़ की दो तीन आइस क्यूब्स अपनी जमा लेती हूँ ग्रीन टी की, और बस उन्हीं से फिर मैं अपनी आइसिंग करती हूँ। बाकी पूरी आइस ट्रे तो मेरी रेगुलर आइस से ही भरी होती है, बस दो तीन आइस क्यूब्स ग्रीन टी के होते हैं उसमें। आइसिंग भी हो गई, अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी में अंडे की सफ़ेदी ली है, इसमें येलो पार्ट नहीं है, सिर्फ एग वाइट है, और अब इसमें मैं डालूँगी नींबू का रस अराउंड 1 टीस्पून, और मिक्स करते हैं इसको अच्छे से। अंडा एक नेचुरल स्ट्रिंजेंट है जो हमारी स्किन को टाइट करता है, और अगेन पोर साइज को श्रिंक करने में बहुत बेनिफिशियल है, और जो लोग अंडे का परहेज करते हैं या अंडा अंडे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो हनी और लेमन का मिक्सचर इस स्टेज पर अपने फेस पर लगा सकते हैं। अब ये एग वाइट और लेमन का मिक्सचर लगाते हैं फेस पर। और मेरे पास फनल नहीं है तो मैं चम्मच से ही डालने की कोशिश करूंगी, इसलिए मैंने इसको कटोरी में रख लिया कि जो गिरेगा वो कटोरी में ही गिरे, ऐसे गिरा नहीं, हम डाल ही पाए, और एक चम्मच और। बस आप इसको बंद करके इसको अच्छे से शेक करेंगे और स्प्रे करेंगे फेस पर।
एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली एंटीबैक्टीरियल होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और मैं एप्पल साइडर विनेगर को बहुत ज़्यादा अपनी स्किन केयर में यूज़ करती हूँ। मैंने अपना एक होम फेशियल शेयर किया था, उसमें भी मैंने एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ किया था और आज भी मैं कर रही हूँ। बस अब इसको हम थोड़ा ड्राई होने देंगे और इसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेंगे एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर ट्रीटमेंट। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, आप मेरी स्किन अभी देख सकते हैं, कुछ भी नहीं लगाया हुआ आपके सामने, पूरी ट्रीटमेंट की है। तो ये ओपन पोर्स के लिए, लार्ज ओपन पोर्स के लिए बहुत बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जो मैंने आज आपको बताई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा किसी दिन टाइम निकाल कर, वंस अ मंथ ही करना है जैसा मैंने बोला, तो इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियोस डालती हूँ, मंडेज़ एंड फ्राइडेज़ अराउंड 2 PM, तो फिर ये 2 दिन थोड़ा सा वक्त मुझे प्लीज़ दीजिए। मैं बहुत आभारी रहूँगी आपकी एंड आई एम श्योर कि आप मेरे वीडियो से ज़रूर बेनिफिट करेंगे। चलिए फिर इस नोट पर लेती हूँ अभी के लिए आप लोगों से अलविदा, मिलती हूँ बहुत बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार आप सब के लिए और बाय बाय।